गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं GTA San Andreas के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड बताने वाला हूँ जिसका नाम है ड्रैग कॉप्स मोड। इस मोड की मदद से आप डेड बॉडी को उठा सकते हो और उसे किसी व्हीकल में लोड भी कर सकते हो और इसे कैरी करके आप हॉस्पिटल में बेच कर पैसे भी ले सकते हो। ये मोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। जिसके लिए आपको 3 फाइल्स की ज़रूरत होगी जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ। और अगर आपको मॉड अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको क्लियो वाला सेटअप ओपन कर लेना है। क्लियो सेटअप ओपन करते ही आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ओके करना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ पर अपना GTA San Andreas गेम फोल्डर ब्राउज कर लीजिए, यानी कि जहाँ पर आपका GTA San Andreas गेम रखा हुआ है उस फोल्डर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके ही आपको ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर नेक्स्ट और अब इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। तो इंस्टॉल हो चुका है और अब आपको दोनों ऑप्शंस को अनटिक कर देना है और अब फिनिश पे क्लिक करना है। तो क्लियो इंस्टॉल हो चुका है, अब हम मॉडलोडर को इंस्टॉल करेंगे। मॉडलोडर को एक्सट्रैक्ट करते ही आपको मॉडलोडर वाला फोल्डर ओपन कर लेना है और दो फाइल्स को कॉपी कर लेना है। इन्हें कॉपी करने के बाद आपको GTA San Andreas गेम फोल्डर में पेस्ट कर देना है। मॉडलोडर भी इंस्टॉल हो चुका है, अब हम मॉड को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर हम GTA San Andreas को न्यू फोल्डर में ओपन कर लेंगे और इसे साइड में ले लेंगे और इस वाले फोल्डर को भी हम साइड में ले लेंगे। तो आपको ड्रैग कॉप्स की फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अब आपको मॉड वाली फोल्डर को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको क्लियो वाला फोल्डर ओपन कर लेना है, इस फाइल को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर क्लियो में पेस्ट कर देना है। तो अब आपको GTA3.img इस वाले फोल्डर को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर अब आपको मॉड लोडर वाले फोल्डर में जाना है। यहाँ पर आपको न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। और इस फोल्डर में आपको मॉड की फाइल को पेस्ट कर देना है। तो गाइस अब हम गेम में आ चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मॉड कैसे काम करता है। सबसे पहले तो आपको कोई व्हीकल चाहिए होगा, जैसे कि ये इसका नाम है पिकेड, इसमें आप बॉडी को लोड कर सकते हो। अब हमने इसे मार दिया, अब हम ई प्रेस करेंगे जिसके बाद सीजे उस बॉडी को उठा लेगा। और अब आपको व्हीकल के पीछे जाना है और यहाँ पर आपको क्यू प्रेस कर देना है। तो बॉडी लोड हो चुकी है, अब आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाना है। मैप पर आपको मार्कर दिख रहे होंगे। जब हम हॉस्पिटल में आ चुके हैं, यहाँ पर आपको उतरना है और उसके बाद आपको व्हीकल के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको ई प्रेस कर देना है जिसके बाद बॉडी इजेक्ट हो जाएगी। अब आपको फिर एक बार ई प्रेस करना है। अब आपको इस रेड मार्कर में जाना है और यहाँ पर आपको क्यू प्रेस कर देना है। यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए आपको स्पेस प्रेस कर देना है, इसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद मॉड कुछ ऐसे काम करता है और इसका नाम है पोनी। इस व्हीकल में भी आप बॉडी को रख सकते हो। गेम की सभी मिनी ट्रक्स और मिनी वैन्स में आप बॉडी को लोड कर सकते हो।
गाइस अगर आपको मॉड पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस इंटरेस्टिंग गेमिंग वीडियोस के लिए।